सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एनएस बडी चैनल पर। मैं सोनू आपको ऐसी जानकारी देने वाली हूँ जिससे आप लखपति क्या करोड़पति भी बन सकते हैं। तो बने रहिए एनएस बडी यूट्यूब चैनल पर और वीडियो को अंत तक देखें, लाइक सब्सक्राइब करें। आई एम श्योर आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी, सो जल्दी से फटाफट दोस्तों शेयर एंड कमेंट करें। इस वीडियो में मैं आपको पीपीएफ अकाउंट के बारे में बताने वाली हूँ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड तो देखिए दोस्तों, किस तरह प्रतिदिन छोटी सी बचत करके आप लाखों करोड़ों बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि पीपीएफ अकाउंट आखिर होता क्या है। पीपीएफ अकाउंट एक बहुत ही सेफ और गारंटीड अकाउंट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के अंतर्गत आता है। इसकी करंट इंटरेस्ट रेट 7.1% है। इसकी इंटरेस्ट रेट काफी हाई होती है एंड सेकंड स्पेशलिटी सबसे मेन ये होता है कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होती है वो ईयरली कंपाउंडेड होती है। कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, इसका मतलब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर न केवल मूलधन पर ब्याज मिलेगा अपितु ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्मॉल सेविंग स्कीम है, यहाँ पे आप छोटी छोटी बचत करके एक डिसेंट रिटर्न ले सकते हैं, मतलब काफी अच्छा मैच्योरिटी अमाउंट यहाँ पे आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है इनकम टैक्स बेनिफिट। यहाँ पे आप 1.5 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स फ्री कर सकते हैं और ये अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत आता है। ओके, माइनर अकाउंट, अवयस्क खाता, यहाँ पे आप कितनी भी छोटी एज वाले बच्चे का भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे एज पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन बाउंडेशन नहीं है। इन्वेस्ट लिमिट की बात करें दोस्तों, तो ईयरली मिनिमम आपको 500 रुपए जमा करने हैं और मैक्सिमम आप चाहे तो 1.5 लाख रुपए तक की लिमिट इसमें है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये जो मैं बताने जा रही हूँ ये सबसे मेन चीज है इस वीडियो की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप मंथली 500 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, इसका मतलब ईयरली 6,000 रुपए टोटल जमा होते हैं और हम इसी अमाउंट को 15 साल बाद देखेंगे तो ये टोटल अमाउंट बन के हो जाता है 90,000 रुपए। और इसका हम मैच्योरिटी अमाउंट दोस्तों देखेंगे तो आप सरप्राइज होंगे कि आप लखपति बन जाएंगे दोस्तों। यहाँ आपको मिलेंगे टोटल 1,63,000 रुपए। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आप इसमें एक और स्कीम ये एडिट कर सकते हैं कि अगर आप 15 साल के बाद 5 साल के लिए इसी अमाउंट को और एक्सटेंड करते हैं, यानी कि आप इसको 20 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो टोटल अमाउंट जो बनेगा वो 1,20,000 है, जो कि 90,000 से 30,000 ज्यादा है। ओके, सिर्फ 30,000 के इन्वेस्टमेंट पे आपको टोटल जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो होगा 2,66,000 रुपए, यानी कि 30,000 पे आपको लगभग 1,00,000 रुपए टोटल प्राप्त होंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरीके से आप लखपति बन जाएंगे। नेक्स्ट मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ कि अगर आप मंथली 12,500 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि साल भर में 1,50,000 रुपए जमा करते हैं और आफ्टर 15 ईयर्स ये अमाउंट डिपॉजिट होता है टोटल 22,50,000 रुपए। ओके, इसी तरीके से आफ्टर 20 ईयर्स ये आप देख सकते हैं। एंड मैं 25 ईयर्स के बाद बात करूंगी दोस्तों, जो कि 37.5 लाख रुपीज हो जाएंगे मंथली 12,500 रुपए जमा करने पर। और इसमें जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा वो हो जाएगा 1,03,00,000 रुपए दोस्तों। जी हाँ, आप यहाँ पर करोड़पति बन सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से आप अगर छोटी छोटी सेविंग करेंगे तो आप करोड़पति बन सकते हैं। नेक्स्ट है मैच्योरिटी टाइम पीरियड। तो दोस्तों अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो मैं इसके बारे में आपको कुछ जानकारी बता देती हूं कि आप इसका जो मैच्योरिटी टाइम पीरियड होता है वो 15 ईयर्स होता है। यू कैन एक्सटेंड फॉर 5 ईयर्स एंड सो ऑन। उसके बाद आप 15 सालों के बाद अगर आपको पैसे की नीड नहीं होती है तो आप उसको 5-5 सालों के लिए आगे और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, जिससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, बहुत ही अच्छा ब्याज मिलता है। प्री मैच्योर क्लोजर, दोस्तों अगर आपको 15 साल से पहले अगर इस अमाउंट की जरूरत पड़ती है आपको, तो आप आफ्टर 5 ईयर्स ये जो अकाउंट है इसको क्लोज भी करवा सकते हैं, इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी, अगर कोई मेडिकल इश्यू है या फिर आपको हायर एजुकेशन करवानी है या चेंज रेजिडेंशियल स्टेटस या फिर आप अपना रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज करवाना चाहते हैं। इन तीनों केसेस में दोस्तों आप अपना अकाउंट 5 सालों के बाद क्लोज भी करवा सकते हैं।
एडिशनल फीचर्स ये है दोस्तों इसके कि आपको ये जो प्रीमियम डिपॉजिट करवाने के लिए किसी इंस्टीट्यूट किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पे जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन भी डिपॉजिट करवा सकते हैं। नेक्स्ट लोन फैसिलिटी, इफ आपको किसी कंडीशन में लोन की जरूरत पड़ती है तो आप इस पीपीएफ अमाउंट के ऊपर लोन फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्शियल विड्रॉल फैसिलिटी, आफ्टर सम टाइम कुछ टाइम पीरियड के बाद में आप इसमें से कुछ अमाउंट भी निकाल सकते हैं दोस्तों अगर आपको जरूरत पड़ती है। इसके अलावा ये टोटली रिस्क फ्री है क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के अंतर्गत आता है, यहाँ पे आपको 100% अमाउंट वापस रिटर्न होता है। दोस्तों अगर आपको ये अकाउंट खुलवाना है तो इसके लिए ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, आइडेंटिटी कार्ड लाइक आधार वोटर आईडी पान कार्ड रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ नॉमिनी डिक्लेरेशन फॉर्म एंड योर फोटो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे एनएसबडी चैनल पर जाकर प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों चैनल को लाइक इस तरीके से कीजिएगा, ये वीडियो के जस्ट नीचे एक अंगूठे का निशान होता है, यहाँ पे क्लिक करने पर ये वीडियो लाइक हो जाएगी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड फॉन्ट में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करने पर हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब आप कर सकते हैं और नई नई इन्फॉर्मेशन आप गेट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।